हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द सेशन। वेदमी पे आपका स्वागत है। एक बात करने वाला हूँ मैं, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2023। अगर दिसंबर आप ऑप्ट करने जा रहे हैं तो आप पेपर को कैसे ऑप्ट करें? याद रहे कि मैं ऐसे कोई यूनिक स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा यही करेंगे तो ही क्वालिफाई होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसी का यूज़ करना है। लेकिन मैं कई बार स्टूडेंट्स कई सारे वीडियोस जब इंटरनेट पे देख लेता है तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है, और जब कन्फ्यूजन आता है तो उस कन्फ्यूजन को रिलीज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब रिलीज करने का मतलब ये कि जो मैं बताऊंगा वो लगभग आपको आइडिया है, बस अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये करे कि वो करे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करे कि वो करे, तो ये स्ट्रेटेजी लगभग सभी को आइडिया होता है। मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रहा हूँ कि आप ऐसे करके भी क्वालिफाई कर सकते हो और थोड़ा सिंपल रख के अप्रोच को चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितना जो है अपने आप को तामझाम किया जाए, बहुत ओवर मोटिवेटेड या ओवर एक्साइटेड होकर ही ऑप्ट करे तभी, या बहुत अंडर मोटिवेटेड या बहुत ही डर के ऑप्ट करे तभी जो है सीएसआर होगा, ऐसा है नहीं। तो मैं सिंपल शब्दों में इस वीडियो को शुरू करता हूँ। याद रहे कि इस वीडियो का मोटो सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर अप्रोच देना है। मैं किसी भी तरीके का क्लेम नहीं करता कि ये करोगे तो क्वालिफाई होगा और ये नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। ये सिर्फ एक सिंपल अप्रोच है कि कैसे जो है आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो मूविंग अहेड, जब हम सीएसआर नेट लाइफ साइंस की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, मीडियम ऑफ एग्जाम, टाइम ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे शो किया जाता है वो है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर पे आएगा और एक अलॉटेड सेंटर पे जो है एग्जाम होगा। उसके बाद जो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देयर इज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद देयर इज लाइक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। दो तरीके के एग्जामिनेशन मीडियम्स है, लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। इसका यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चन में। कभी कभी इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ बेस्ड या कुछ लेंदी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको समझने में अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको हिंदी में स्विच करके देख सकते हैं कि उसके कहने का जो है मोटिव क्या है या क्या कनेक्ट करना चाह रहा है। कभी कभी हम कनेक्ट नहीं कर पाते इंग्लिश में, तो हिंदी हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। और हिंदी में टर्म्स को ज़्यादा मत पकड़िएगा क्योंकि हिंदी के टर्म्स थोड़े अजीबो गरीब होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अगर आपको कनेक्टिविटी या मतलब नहीं समझ आ रहा है पूरे पैराग्राफ को तो उसको फटाफट हिंदी से आप समझ सकते हैं। तो आप ये इसका यूज जो है वो नेगेटिव करने की जगह या कंफ्यूज कि अरे यार हिंदी हिंदी इंग्लिश है, इससे बेहतर है कि आप कोशिश करिएगा कि इसका सही पॉजिटिव यूज करिए। जो टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम के लिए अलॉटेड होता है वो है 3 आवर्स, और 3 आवर्स यानी कि अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो ये 180 मिनट्स जो है वो आपको अलॉटेड होता है, और इसी 180 मिनट में आपको जो टोटल नंबर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 145 क्वेश्चन, और 145 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। लेकिन 145 क्वेश्चन में से सभी ऑप्ट नहीं करने होते, इसमें से आपको लगभग 50% ही जो है वो ऑप्ट करने होते हैं। यानी जो है आपको टोटल नंबर जो ऑप्ट करने होते हैं वो लगभग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 75 है। और अगर आपके देखो तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से जो आपको ऑप्ट करने हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50% है। इसीलिए अब आपको लगभग 2 क्वेश्चंस में से एक आने चाहिए, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं, याद रखिए 145 क्वेश्चन टोटल जरूर होते हैं लेकिन उसमें से आप ऑप्ट सिर्फ 75 कर सकते हैं, और 75 ऑप्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉटेड होता है वह 200 मार्क्स। इसके बाद 75 मार्क्स को जो है या 75 क्वेश्चन को जिसको ऑप्ट करके आप 200 मार्क्स गेन कर सकते हैं, उन 75 क्वेश्चन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो है 20, लेकिन आपको 20 टोटल होते हैं और उसमें से जो आपको सॉल्व या मैक्सिमली आपको ऑप्ट करना होता है वो है 15, यानी 20 में से आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऑफ कर सकते हैं। याद रहे कि मैक्सिमम 15 मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मिनिमम आप 0 भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप मत ऑफ करिए, लेकिन अगर आपको आता है तो मैक्सिमली 15 कर सकते हैं 20 में से। वैसे पार्ट बी में जो है 50 में से 35 क्वेश्चन आप मैक्सिमली ऑफ कर सकते हैं और मिनिमम आप 0 कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। एंड पार्ट सी में जो है 75 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाते हैं जिसमें से 25 ऑफ करने रहते हैं। याद रहे कि मैंने यहाँ पे 145 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 75 बोला था कि इतने आप मैक्सिमली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मिनिमम की जब बात आती है तो आप 0 भी अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम का मतलब यह है कि ये एटलीस्ट 75 नहीं है, ये एटमोस्ट 75 है। मतलब आप 0 से लेके 75 तक कर सकते हैं, 75 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जो पार्ट ए में मार्क्स अलॉटेड होता है एक क्वेश्चन के लिए वो है 2 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करेंगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा, यानी -0.5 मार्क्स आपको यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पार्ट बी में आप एक क्वेश्चन सही ऑप्ट करते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे भी अलॉटेड होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, 1/4 यानी 0.5 मार्क्स आपके इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको निगेटिव कर दिया जाएगा। साथ में जो है पार्ट सी की जब हम बात करते हैं तो पार्ट सी में
4 मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन थोड़े अच्छे और बड़े होते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने के आपको 4 मार्क्स अलॉट किया जाता है, और जिसकी वजह से आप इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर देखते हैं, 25 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, वही भी 1/4, तो हम कह सकते हैं कि -1 यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग। तो पार्ट ए में अगर आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन करते हैं तो 15 और 2 करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। पार्ट बी में मैक्सिमम आप जो स्कोर कर सकते हैं वो 35 × 70, 35 × 2 यानी 70 हो जाएगा, एंड पार्ट सी में 25 × 4 100 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो 200 में से जो 100 मार्क्स का वेटेज है, यानी जो 50% वेटेज है, वो पार्ट सी का ही है, और बाकी जो है 50% वेटेज पार्ट ए और पार्ट बी का है, जो मिलकर 100 मार्क्स कर। तो 200 जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें पार्ट सी का वेटेज 100 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी और ए मिला के जो है वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इसीलिए पार्ट सी का जो वेटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए पार्ट सी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी हो जाता है एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। याद रहे कि क्वालिफिकेशन पार्ट सी से ही होगा, लेकिन रैंक का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो पार्ट ए और बी से होता है। तो जिनका पार्ट सी अगर गड़बड़ हुआ तो फिर वो क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर जिनका पार्ट सी ठीक हो जाता है वो क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन पार्ट सी के साथ अगर पार्ट बी और पार्ट ए भी अच्छा हो जाता है तो फिर उनके रैंक भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि पार्ट सी को जनरली ये माना जाता है कि क्वालिफाई करने के लिए सेक्शन अच्छा होना जरूरी है, और पार्ट बी अगर अच्छा करते हैं तो आपके रैंक को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 50% जो वेटेज होता है वो आपका 200 मार्क्स का जो है 50% पार्ट सी को दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो टाइम ड्यूरेशन, जैसा हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स को अभी देखा था, तो यूनो 3 आवर्स आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें 145 क्वेश्चन आपको टोटल रहते हैं, 200 नंबर आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, और 75 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने रहते हैं। इस 75 में 15 क्वेश्चन पार्ट ए से मैक्सिमम, 35 जो है वो पार्ट बी से, और 25 जो है वो पार्ट सी से। अब इस 200 नंबर में से लगभग जो है मोटा मोटी जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो 115 से 120 है। याद रखिए मैं ये क्वालिफिकेशन मार्क्स जो मेंशन किया हूँ ये जनरल कैटेगरी को लेके किया, और जो बाकी के कैटेगरीज के जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी इससे कम ही मार्क्स जो है वो होते। तो जो मैं मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहा हूँ कि अगर आप इतने स्कोर कर लेते हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के जो है पर्सन हो, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो एश्योर हो जाएगा, ठीक है। इवन ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, एससी एसटी का और भी कम जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो है आप किस कैटेगरी के, लेकिन मैं ये ऑप्टिमम लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट को लेके चल रहा हूँ। तो जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये ना कहें कि मेरी कैटेगरी का क्या होगा, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन हो, ताकि इससे थोड़े कम नंबर भी आए तो आप जो है रिजल्ट में बने रहें। याद रहे कि अब जो रिजल्ट होता है वो मार्क्स में नहीं डिसाइड होता, अब जो रिजल्ट है वो एनटीए स्कोर में आता है, और वो भी नॉर्मलाइज्ड। उसके पीछे रीजन है कि एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, और जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर इजी है तो किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट है, बहुत थोड़ा बहुत, तो उस चक्कर में दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है, और नॉर्मलाइज करके जो है एक स्कोर जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो इजी और डिफिकल्ट का जो वेरिएशन होता है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। तो इससे आप कभी परेशान ना हो कि आपका पेपर जो है किस शिफ्ट में और किस में नहीं है, क्योंकि चाहे आप शिफ्ट 1 में हो चाहे शिफ्ट 2 में हो, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर शिफ्ट 1 का पेपर जस्ट फॉर एग्जाम्पल की ईजी है तो वो सभी के लिए ईजी है, वहाँ पे सभी अच्छा स्कोर करेंगे, और जो अगर शिफ्ट 2 की बात करें अगर वो डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है, तो वहाँ सभी के मार्क्स थोड़े थोड़े कम ही रहेंगे। तो मार्क्स के बेसिस पे फिर अब कट ऑफ नहीं आता, अब आता है स्कोर के बेसिस पे, और स्कोर जो है 100 परसेंटाइल के बेसिस पे होता है, और वो इस बात पे निर्भर करता है कि टॉपर जो है वो कैसा स्कोर कर रहा है, और टॉपर से फिर बाकी के परसेंटाइल निकलते हैं। तो इसीलिए जो है आप अब ये जो मार्क्स मैंने सिर्फ एज अ रेफरेंस के तौर पे लिया है आपको समझाने के लिए कि आपको कितने क्वेश्चन ऑप्ट करने चाहिए, लेकिन आप ज्यादा वरी करिएगा नहीं कि मेरा शिफ्ट और शिफ्ट 2 में है, ऐसा जो है मार्केट में बहुत सारे वीडियोज है कि ये शिफ्ट में ऐसा वो शिफ्ट में ऐसा, बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, मैं एनालिसिस के थ्रू भी अभी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपको कैसे नंबर्स का मार्क्स और कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अलॉट कर सकते हैं। अब अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो जैसा आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में है 20, 50 और 75। अब अगर आपसे जो ऑप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम पार्ट ए में, मैंने 15 की बात करी थी, 15 आप कर सकते हैं पार्ट ए में 20 में से, 35 कर सकते हैं पार्ट 50 में से पार्ट बी में, और 25 कर सकते हैं पार्ट सी में 75 में से। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इतने करने ही हैं, अगर आप थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा सिंपली चल के देखें तो क्वेश्चंस यू मस्ट ऑप्ट करेक्टली,
पहले आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए कि मैं सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन से ही ऑप्ट करूं, मैं तुक्काफिकेशन जय बजरंगबली वाला ऑप्शन जो है ना चूज करूं। जब मैं ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्ट करूंगा तो क्या करूंगा, इन पर्टिकुलर केस में मैं मान के चलता हूं कि मैं 15 नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए में 5 क्वेश्चन ऑप्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने 5 क्वेश्चन ऑप्ट किया तो हर क्वेश्चन सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, तो मुझे टोटल 10 मार्क्स मिल जाएगा। अगर पार्ट बी में मैंने जो है 15 क्वेश्चन ऑप्ट किए, 35 क्वेश्चन छोड़ो सिर्फ 15 क्वेश्चन, तो अगर सही ऑप्ट किए, याद रहे आपका फोकस जो है वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, आपका फोकस जो है वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ना कि आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मेरा फोकस जो है वो बेसिक तौर पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो जब आपकी एक्यूरेसी सही होगी, 15 के 15 सही होंगे, तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड अगर आप बात करें कि पार्ट सी में 25 में से सिर्फ 20 ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब 75 में से सिर्फ 20 ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप जो है टोटल 80 मार्क्स यहाँ से ले आएंगे। और अगर मार्क्स को कंबाइन करें तो आप देखें तो टोटल मार्क्स आपको 120 मिल रहा है, एंड इट इज गुड। तो यही तो चाहिए था। आप चाहे जिस जिस भी कैटेगरी के हो, अगर आप ओबीसी की कैटेगरी के तो 1-2 क्वेश्चन कम भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आप SC ST है तो 2-3 क्वेश्चन भी कम करें तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो अप्रोच कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप पार्ट ए, कई लोग कहेगा कि अगर मैं सर पार्ट ए करूं ही ना, मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको फिर इस क्वेश्चन को मैनेज करना पड़ेगा पार्ट बी से या पार्ट सी से, सीधी सी बात इतनी है। तो पार्ट बी में 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन उसमें और एक्स्ट्रा अच्छा करिए, और पार्ट सी में 1-2 क्वेश्चन और बढ़ाइए। याद रहे कि यहाँ पर नेगेटिव की गुंजाइश नहीं है, इतने क्वेश्चन आपको करेक्टली ऑप्ट करते हैं, और अगर आपकी एक्यूरेसी और कम है तो आपके क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा। फिर आप जो है 7 से 8 क्वेश्चन पार्ट ए में करेंगे, फिर 20 से 25 क्वेश्चन पार्ट बी में करेंगे, और 25 क्वेश्चन के आसपास पार्ट सी में करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और एक्यूरेसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्ट करने हैं। लेकिन एटलीस्ट पहले जो है आप इतना ही गोल बनाइए कि मुझे जो है पार्ट ए में कम से कम 5 क्वेश्चन 110% सही करने, पार्ट बी में कम से कम 15 क्वेश्चन 110% सही करने, और पार्ट बी में जो है 20 क्वेश्चन। जब आप इतना कर ले, अगर आपके इतने क्वेश्चन मिल गए पूरे पेपर में, तब जाके आप सुकून लीजिए, और उसके बाद तुक्का करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन जब अगर आपको इतने भी नहीं मिल पा रहे हैं कि इतना ही मुझे नहीं मिल पा रहा 100% श्योरिटी के साथ, तब आप कुछ कुछ क्वेश्चन में चांस ले सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करिए कि कम से कम इतने क्वेश्चन ऑप्ट करने के लिए, और वो भी 110% एक्यूरेसी के साथ, मतलब एरर की गुंजाइश है ही नहीं। आपकी एक्यूरेसी इन क्वेश्चन के साथ 100% होनी चाहिए, उससे कम एक्यूरेसी होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इतने क्वेश्चन ऑप्ट करे कम से कम, मैं याद रहे कि ये कम से कम बोल रहा हूँ, और ये एक्यूरेसी 100% पे बोल रहा हूँ। अगर एक्यूरेसी आपकी घटती चली जाएगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड होते चले जाएंगे। एंड नाउ मूविंग अहेड, कि अगर टाइम कैसे अलॉट करें, किस टाइम को किस सेक्शन को कितना टाइम दे, तो ये मेरे ओपिनियन, जब मैं ऑप्ट करता था तो मैं इसी तरीके से करता था, और आप इसी अप्रोच से चलेंगे तो आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा, बहुत हेजी नहीं रहेगा। अगर आप कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे कि मुझे किस सेक्शन पे कितना समय देना है, टाइम मैनेज नहीं करेंगे, तो वहां पे इतनी खिचड़ी हो जाएगी कि आप जो है फिर आपके कई क्वेश्चन छूट जाएंगे, या जल्दीबाजी में गलत होंगे, या आप उसको इनकरेक्ट रीड कर लेंगे तो गलती कर देंगे। इसलिए जो है टाइम अलॉटमेंट 30 मिनट दीजिए पार्ट ए को, 20-50 मिनट के आसपास दीजिए आप पार्ट बी को, और लगभग जो है आपके 100 मिनट्स के आसपास दीजिए पार्ट सी को, क्योंकि लगभग 25 क्वेश्चन करने हैं। तो जब अगर 100 मिनट आप पार्ट सी को देंगे तो फॉर 1 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 4 मिनट मिलेगा, और अगर आप लगभग 15 से जो है वो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट बी में मान लेते हैं, तो आपको लगभग जो है 2 से 3 मिनट मिलेगा आराम से हर क्वेश्चन के लिए। और लगभग अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 6-6, 5-5 मिनट मिल रहा है, लेकिन अगर आप 15 क्वेश्चन भी देखें तो 2 से 3 मिनट यहाँ पे भी अच्छे मिल जाएंगे। तो आप जो है ध्यान रहे कि इस तरीके से टाइम को अलॉट करके चलें, और अगर आप पार्ट सी में बढ़ाना चाहते हैं तो 10 मिनट और भी बढ़ा सकते हैं। किसी को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो आप लगभग जो है 100 या 110 मिनट के आसपास अरेंज करिए। ये नहीं कि पार्ट सी में ही 2.5 घंटे लगे हुए हैं, पार्ट बी और पार्ट ए के लिए समय नहीं दे रहे। और अब सवाल आता है कि कौन से सेक्शन को पहले करें, तो पहला 100 मिनट किसको दें, उसके बाद 50 मिनट किसको दें, या बाकी को कैसे ऑप्ट करें। तो अगर ऑर्डर ऑफ ऑप्टिंग की बात करूँ तो मैं ए ऑप्शन को जनरली कहूंगा कि लास्ट में ऑप्ट करें, क्योंकि लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो है ए को वैसे भी थोड़ा पीछे रखते हैं, कुछ ही लोग जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होते, तो ये लास्ट में करना भी अच्छा है, क्योंकि ये आपकी क्वालिफिकेशन ऐसे और नहीं करता, ये आपके रैंक को इम्प्रूव करता है। तो रैंक आप बाद में सोचेंगे ना, पहले आप क्वालिफिकेशन जो है फुल प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहला जो ऑप्ट करना होगा वो है पार्ट सी, क्योंकि अगर पार्ट सी में आपने 20 से 25 क्वेश्चन सही निकाल लिए तो समझो कि लगभग क्वालिफिकेशन के करीब पहुंच चुके हैं, और उसके बाद फिर 10-15 5 क्वेश्चन ये तो आपके क्वालिफिकेशन के साथ रैंक को इम्प्रूव कराता है। तो मैं कहूंगा कि पहला 100 मिनट जो है वो आपको पार्ट सी के लिए देना है, फिर उसके बाद सेकंड 50 मिनट जो है वो आपको पार्ट बी को देना है, और फिर लास्ट 30 मिनट जो है वो आपको पार्ट ए को देना है।
इस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए कि किस कैसे जो है कंडीशंस आपके चल रहे हैं, तो ये अप्रोच जो है आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड की क्वेश्चन टाइप आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो अब ये क्वेश्चन टाइप का जो कंडीशन है किस तरीके से आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो वैसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, और कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस बेस्ड, कुछ ग्राफ इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अब इनमें कैसे हमें ऑप्ट करना चाहिए, तो मैं अक्सर आपको जनरली एक कंडीशन शो करता हूँ कि क्वेश्चन जो है MSD अप्लाई किया करिए। MSD को जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि सबसे पहले मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कन्वेंशनल टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड एंड डायग्रामेटिक। MSD इज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, इट्स लाइक मैच ऑफ द फॉलोइंग या मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले ऑप्ट करिए पार्ट सी में, फिर स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन ऑप्ट करिए, और उसके बाद जो है वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो है वो ऑप्ट करिए। अब ये जो है अप्रोच ध्यान रहे कि सबसे पहले आपके पार्ट में ये जो अप्रोच बता रहा हूँ वो पार्ट सी के लिए बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल अप्रोच लेके जो है वो आप क्वेश्चंस को ऑप्ट कर सकते हैं कि कैसे जो है क्या आपका अप्रोच हो सकता है। अब ये क्वेश्चन का जो अप्रोच है मैं किस बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूँ, तो इसकी एनालिसिस के लिए मैं 2023 के पेपर की एनालिसिस आपके सामने शो कर रहा हूँ, और किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसको भी आप समझ सकते हैं, और उसको समझेंगे तो कहानी आपके साथ बन जाएगी। याद रहे कि मैं जो है लाइफ साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताए, तो क्वेश्चन के जो टाइप्स हो सकते हैं, क्वेश्चन का टाइप टाइप है, सिंगल आंसर टाइप भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर टाइप भी हो सकता है, या न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हो सकता है, मतलब किसी क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर हो, एक से ज्यादा आंसर हो, या उसका आंसर जो है न्यूमेरिकल वे में हो। तो याद रहे कि CSR एग्जामिनेशन में सिंगल आंसर टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल आंसर टाइप या न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन गेट के एग्जामिनेशन में आपके तीनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रहे कि इसमें तीनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन CSR में सिर्फ सिंगल आंसर टाइप्स जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं मेंशन करूँ तो सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चंस को मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड में क्लासिफाई कर सकता हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड यानी जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी आप मेंशन कर सकते हैं, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपके नॉलेज की जरूरत है, जो आप पढ़े हैं उसका यूज की जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मेंशन करते हैं। कि कन्वेंशनल टाइप, एक कन्वेंशनल बेस्ड क्वेश्चन कन्वेंशनल टाइप हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें स्टेटमेंट या मल्टीपल टॉपिक्स के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को मर्ज किया जाता है। कन्वेंशनल जनरली सिंगल टॉपिक से होते हैं, कन्वेंशनल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली सिंगल टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं और एक ही टॉपिक से आता है, जबकि स्टेटमेंट बेस्ड जनरली मिक्स टॉपिक से होते हैं, मतलब मिक्स्ड रिलेवेंट टॉपिक्स को जो है मर्ज किया जाता है, इवन मिक्स भी हो सकते हैं और एज वेल एज सिंगल टॉपिक से भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड की बात करूँ तो मैचिंग टाइप भी होते हैं, और मैचिंग टाइप भी वैसे ही हो सकते हैं, सिंगल टॉपिक के भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं, और जनरली इनका जो आप नेचर शो करते हैं वो मिक्स शो करते हैं, ठीक है। सिंगल अब बहुत कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, याद रहे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली सिंगल टाइप के होते हैं, मतलब सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, ये ऐसे होते हैं जिसको फैक्ट बेस्ड को मैं दूसरे शब्दों में मेमोरी बेस्ड भी बोल सकता हूँ, याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई आप कुछ यूज कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो है एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे ऑर्डर बेस्ड होता है, कि कभी कुछ स्टेटमेंट्स को दे देगा और उसमें या कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे देगा, कहेगा कि इसको अरेंज करो इस ऑर्डर में, तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। एंड इसके अलावा जो है नॉलेज बेस्ड में कुछ ग्राफिकल्स और इमेज को भी यूज किया जाता है आपके इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए। आप ग्राफ और इमेज बेस्ड को लॉजिकल रीजनिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको रीजनिंग या लॉजिक्स यूज करने होते हैं। ऐसे ये सब टाइप्स है इन्फॉर्मेशन बेस्ड में जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन यूज होता है। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन तो यूज हो ही रहा है लेकिन साथ में क्वेश्चन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स को दिया जाता है, कि ये ऐसे 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 हो रहे, कुछ कंडीशंस को दिया जाता है, उस कंडीशंस के बेसिस पे जो है आपको ऑप्ट करना होता है। एंड इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड होते हैं, मतलब इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है लेकिन स्टिल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ जो है वो आपको लॉजिक्स को यूज करवाता है, और ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं और ये जो है वो ग्राफ बेस्ड भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के जो है लॉजिकल रीजनिंग हो सकते हैं, और ज्यादातर लॉजिकल या रीजनिंग जो होते हैं वो सिंगल टॉपिक से बेस्ड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिंगल टॉपिक से हो, वैसे ही एक्सपेरिमेंटल भी एक सिंगल टॉपिक से होगा। एंड साथ में एक लास्ट अगर मैं बोलूँ तो एक कैलकुलेशन बेस्ड जो है वो आपको मैं सिखा, तो इस तरीके के कई तरीके के जो है क्वेश्चन के टाइप्स हो सकते हैं, मैं इनके एक एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ कि कैसे जो है आप देख सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस के लिए मैंने जून 2023 जो हुआ था उसके क्वेश्चन के एनालिसिस को शो कर रहा हूँ। तो जून 2023 में जो एग्जामिनेशन है ये क्वेश्चन की एनालिसिस ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही पेपर दिसंबर में आएगा। आई रिपीट,
कि जून 2023 का क्वेश्चन एनालिसिस ये नहीं कहता कि दिसंबर 2023 में ही ये पेपर आएगा। याद रहे कि वो पेपर जो है वो कैसा भी आ सकता है, लेकिन एक पैटर्न, एक चीजें जो है वो आपको दिखाया जा सकता है। और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है, ऐसे प्रीवियस में भी है, लेकिन मैं एकदम रिसेंट पैटर्न के पेपर को जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई रिपीट वंस अगेन कि मैं ये श्योर नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ जो मैं क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ या जिस टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही आएगा और वही चीजें होंगी। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चन का वेटेज किस तरीके से होता है। और जो शुरू में मैंने आपको MSD बोला, आखिर में उस क्यों बोला, उसके पीछे भी एक रीजन है। और वो सिर्फ इसी ईयर के एनालिसिस पे बेस्ड नहीं है, वो मैं मल्टीपल ईयर्स के एनालिसिस पे भी कहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपके रेफरेंस के तौर पे शो किया जा रहा है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसे आप कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप देखें तो ये कन्वेंशनल टाइप में जब हेटरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, जो है रिड्यूस हो रही है, और होमोजाइगस की बढ़ रही है कंटेक्स्ट टू द रैंडम मेटिंग, तो आप जो है वहाँ पे क्रॉस हो करते, तो इसमें इनब्रीडिंग की बात आती है क्योंकि उसमें रैंडम मेटिंग नहीं होता। तो इस तरीके की कंडीशन को जो है वो शो किया जा सकता है। वैसे इस पे काफी सवाल उठा था, क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन रिवर्स ना रिवर्स वो अलग बातें हैं, लेकिन ये एक सिंगल टॉपिक से कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको फिनोमेना सेलेक्ट करना रहेगा। ये आपके डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ ऐसे हो सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद ये एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें आप देखते हैं तो ये सिंगल टॉपिक भी हो सकते हैं या मल्टीपल टॉपिक भी हो सकते हैं। जरूर नहीं कि आपके सिंगल टॉपिक या मल्टीपल टॉपिक हो। जैसे मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल शो किया हूँ 2023 के पेपर का, ये एक सिंगल टॉपिक है जहाँ पे आप टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, हेमी डेस्मोसोम्स, यानी आप देखे तो पूरा का पूरा जंक्शन ही है, लेकिन जंक्शन में भी सिर्फ एक जंक्शन नहीं कि टाइट जंक्शन हो, उसमें गैप जंक्शन भी है, उसमें हेमी डेस्मोसोम्स भी है, और सभी के बारे में जो स्टेटमेंट्स मेंशन किया गया। अब ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जिसे पता होगा कि कौन सा क्या है वो सॉल्व करेगा, और इन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशंस में करेक्ट या इनकरेक्ट जो है पूछता है, और जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट के बेसिस पे ध्यान रखिए क्या पूछा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मेंशन करते हैं दैट आर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चंस को आप मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है मेंशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास एक कॉलम एक्स और कॉलम वाई रहेगा, और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उन्हें मैच करना रहेगा। और ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, या इवन जनरली, वैसे तो ये फैक्ट बेस्ड या मेमोरी बेस्ड जैसे ही होते हैं, आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन इनको आंसर सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है कि इसमें से अगर कोई एक दो कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाए तो कई बार क्या होता है कि आंसर आपका मिल जाता है। इसलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग्स को मैंने सबसे पहले रखा था, उसके बाद मैंने रखा था स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें भी अगर एक दो स्टेटमेंट आपको आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो मैं बहुत दफा बताया हूँ OEM, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, की अगर ये सही है ये गलत है, तो क्वेश्चन में उस हिसाब से गलत सही करके जो है आप चीजों को पता कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ केसेस स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं। तो मैचिंग स्टेटमेंट, और उसके बाद कुछ ग्राफ, इमेज या डायग्राम्स के टाइप का। अब ज्यादातर डायग्राम्स के टाइप के क्वेश्चन सिंगल टॉपिक बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज की एनालिसिस पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में जो अमाउंट ऑफ PO2 और YO2, यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे जो बात की जा रही है, किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ऑब्वियसली बात है कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है तो वो ए होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ है, और बी जो है सिग्मोइडल है, तो वो हीमोग्लोबिन है। ये वेरी इजी क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके ग्राफिकल या डायग्रामेटिक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये भी अच्छे होते हैं क्योंकि थोड़ा नॉलेज, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन रहेगा, कुछ पाथवे के स्टेप्स मेंशन रहेंगे, और बोला जाएगा इस पाथवे को ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करिए। तो ऐसे ऑर्डर स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड या मेमोरी टाइप होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 का, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कौन सी हनी बी की स्पीसीज है। अब ये क्वेश्चन जो है वो जिसे आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो तो है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है रिसर्चर्स, जैसे यहाँ पे आइसोलेट किया ER को, प्रोटीन को, फिर उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो वो जो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को रीजनिंग यानी सोच के यहाँ पे अप्लाई करना होता है, तो वो एक लॉजिकल या रीजनिंग बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट को दिया जाता है, फिर उसके बेसिस पे जो है वो एक कुछ स्टेटमेंट्स कंक्लूडेड होते हैं, और अगेन यहाँ पे नॉलेज और कॉन्सेप्ट तो चाहिए चाहिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट खुद इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और उस इंफॉर्मेशन से आपको चीजें निकालनी रहेंगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
इसके लिए आपको बहुत प्रीवियस मेमोरी या नॉलेज की जरूरत मतलब रहेगी, बेसिक नॉलेज की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक क्लास जो मैंने बताया था कैलकुलेशन बेस्ड, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस जैसे कि क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, या आपके पास इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गए, कुछ जो है मेथड्स में जैसे बियर लैम्बर्ट लॉ, इन सब में जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, पीएच का कॉन्सेप्ट एंड ऑल, तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशंस के अलग अलग तरीके के जो है क्वेश्चंस को दिखाया कि ये कैसे क्वेश्चंस दिखते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को जो है यूनिट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, या मैंने अगर यहाँ पे क्वेश्चन वाइज अभी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं अगर जो 2023 के एनालिसिस की बात करूँ यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट में 13 यूनिट्स आप मेंशन करते हैं और मैं एप्टीट्यूड को यहाँ पे एक्सक्लूड किया अभी के तौर पे। और फिर उसके बाद अगर शिफ्ट वन की बात करते हैं, तो शिफ्ट वन में जो है यहाँ पे कई सारे पार्ट्स यहाँ पे आते हैं, पार्ट बी और कई अलग अलग कंडीशंस में। तो अब यहाँ पे जब हम शिफ्ट वन की बात करते हैं तो पार्ट बी को देखें, उसके बाद अगर आप पार्ट सी के देखें, तो लगभग ऑन एन एवरेज पार्ट बी में आपको ऑन एन एवरेज जो है 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, और पार्ट सी में जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई सेक्शन एक आध क्वेश्चन ऊपर और नीचे हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे तो इकोलॉजिकल में एक क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ था पार्ट सी में, और जो है उसी तरीके से एक आध क्वेश्चन जो है यूनिट वन में ज्यादा है, तो किसी में एक दो क्वेश्चन ज्यादा है, तो एक आध क्वेश्चन एक आध यूनिट में ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये यूनिट इसमें ज्यादा है उसमें कम है, उसमें ज्यादा इसमें कम, ये से एक तरीके के क्वेश्चन जो है बड़े अजीबो गरीब हो जाते हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटी का वेटेज थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ शिफ्ट वन, लेकिन जरूरी नहीं कि 2023 के दिसंबर में भी जो है वेटेज ज्यादा हो। मैं फिर से वही बोलूँ कि मैं सिर्फ एक एनालिसिस शो कर रहा हूँ, ये एनालिसिस इसलिए दिखाया हूँ मैं कि कई लोग कहते हैं कि इस यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो वैसा ज्यादा कुछ है नहीं। एक और दो क्वेश्चन वो कभी किस यूनिट में ज्यादा आ जाए और किस में कम आ जाए कोई कह नहीं सकता, क्योंकि शिफ्ट वन में कुछ ऐसा पैटर्न है तो शिफ्ट टू में आप कुछ इस तरीके के पैटर्न को मेंशन करते हैं। और अगेन वही देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा जो है एक किसी यूनिट में एक आध क्वेश्चन ज्यादा होगा तो किसी में एक आध क्वेश्चन कम होगा, और ऐसे ही जो है कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। और पार्ट सी में जैसा आप शो करते कि 5 से 7 क्वेश्चन होते, और वही जनरल आपको देखने को भी मिलेगा, 5 से 7, 5 से 7, किसी में एक को कम होता है। और आपको पता है कि यूनिट 12 और 13 को जनरली मर्ज करके पूछा जाता है। अब ये यूनिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई लोग क्योंकि कुछ हाइब्रिड टॉपिक्स यूनिट 2 और 4 में होते हैं, तो कुछ 10 11 में हैं, तो कुछ 9 में हैं, तो ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप इधर और उधर शो कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन में भी डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी में भी डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी की अपनी खुद की यूनिट है। तो अब कोई क्वेश्चन अगर डाइवर्सिटी से पूछे तो कोई उसको यूनिट 7 में करेगा, कोई उसको यूनिट 10 में करेगा, कोई उसको यूनिट 11 में करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक दो क्वेश्चन जो ये है ये कभी कभी हाइब्रिड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसलिए द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको शो करना चाहता था, दैट इज लाइक कि ये वरी करना कि ये यूनिट वो यूनिट ये यूनिट वो यूनिट करने के बेहतर है कि ऑन एन एवरेज जो आपको पता होना चाहिए, चाहे शिफ्ट वन हो चाहे शिफ्ट टू हो, वही कंडीशन जो है वो आप शो करते। और वो कंडीशन जो वैसा मैंने बताया कि 3 to 4 क्वेश्चन आप शो करेंगे पार्ट बी के लिए, और पार्ट सी के लिए 5 to 7 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हर यूनिट में हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्टली इक्वल होता है। इसके बाद मैं जब अगर सिंगल आंसर टाइप में जो क्वेश्चंस मैंने शो किए, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर मैं थोड़ा नंबर देखूं तो कैसे डिवाइड था, तो अगर मैं पार्ट सी के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो पार्ट सी में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कन्वेंशनल टाइप में या स्टेटमेंट बेस्ड कुछ इस तरीके से थे। ये मैं पार्ट सी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, पार्ट बी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा। और पार्ट सी के जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आप खुद देखिए कि कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके कितने आ रहे हैं। और अगर आप इसीलिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने का ज्यादा होना चाहिए, और यही तो मैंने बोला था सबसे मैच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्रामेटिक और कन्वेंशनल तो है ही है। तो अगर आप ढंग से करेंगे तो आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सिर्फ शिफ्ट वन की बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट टू की बात करेंगे तो भी जो है वो आपको लगभग वेटेज देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है। इसमें अगर देखेंगे तो कन्वेंशनल टाइप का मतलब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, मैचिंग टाइप्स होते हैं, ग्राफ एंड इमेजेस बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस जो है शिफ्ट टू में कुछ ऐसे आते हैं, तो इनका वेटेज जो है एमएसडी का वो थोड़ा ज्यादा होता है। और इसी वजह से जो मैंने आपको पहले बोला कि जब अभी आप ऑप्ट करें सीएसआईआर को दिसंबर में जब ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढें, इनके क्वेश्चन ज्यादा नंबर मिलेंगे भी, और यही तरीका है। अब इन कैसे क्वेश्चन दिखते हैं क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये कहानी जो है वो आपके बेसिक तौर पे आता है। तो मैं अगर उस स्लाइड पे वापस चलूँ और अप्रोच की बात करूँ, तो यहाँ पे अब अप्रोच आपके मन में फाइनल क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं अगर सम अप कर दूँ तो अप्रोच यही है कि आप बहुत हड़बड़ाने की जगह
कि कौन सा शिफ्ट में पढ़ रहा है पेपर, कौन सा शिफ्ट में डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट, ये यूनिट वो यूनिट के चक्कर में, तो चाहे वो आपका एग्जाम शिफ्ट 1 में हो चाहे वो एग्जाम शिफ्ट 2 में हो। और ये सिर्फ इसी 2023 जून का एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है, ये आप प्रीवियस भी लगभग ऐसे ही देखोगे। तो पार्ट बी में मोटा मोटी जो है 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, किसी में एक दो क्वेश्चन किसी यूनिट में बढ़ और घट सकता है, ये ध्यान रहे, प्लस माइनस आप 1 जो है शो कर सकते हैं। इसके बाद जो है 5 से लेके 7 क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में आते हैं और उसमें प्लस माइनस 1 भी शो कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन तो चलेगा ही। अब इसके बाद जो है हम बात करें तो ये यूनिट वाइज या शिफ्ट वाइज कंफ्यूजन हटने के बाद आप आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो करेक्ट ऑप करने का होना चाहिए, और करेक्ट ऑप करने का जो बेसिक कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप करने का जो अप्रोच है उस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं, तो दैट 5 क्वेश्चन आपको ऑप करना है पार्ट ए में, लगभग 15 करना है पार्ट बी में, और पार्ट सी में 20 करना। और ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट नहीं है, यही होना चाहिए। आप एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा आता है तो ज्यादा ऑप्ट करिए। ये मैंने एटलीस्ट का ऑप्शन जो है वो शो किया, कम से कम इतना तो करना ही करना है। उसके बाद टाइम अलॉटेड आप देख लीजिए कि लगभग कैसे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है 100, 50 और 30, और सबसे पहले पार्ट सी, फिर पार्ट बी और पार्ट ए करना है। और उसके अलावा जब क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं तो क्वेश्चन टाइप खासकर पार्ट सी में एमएसडी को दीजिए, मतलब कन्वेंशनल टाइप, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, उसके बाद दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड टाइप एंड डायग्रामेटिक। और इस तरीके के क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप अपने अप्रोच को अच्छा रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे सब आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।